हम जो भाग कर जा रहे थे, मैं शंभू भैया को बताने आता हूँ कि महुआ भाभी के साथ कुछ गलत हो रहा है। एक्चुअली होता है ऐसा है कि महुआ भाभी ने तो प्लानिंग कर ली कि बूंदी की जितनी भी सारी रस्में उनको बर्बाद करना है। तो महुआ भाभी जब सामने आती है तो ये औरतें जो रहती है महिला मंडल वाली, उनके मुँह पर कालिक पोतने के लिए आगे आती है। तो मैं डर के भाग कर जाता हूँ शंभू भैया के पास और उन्हें सब बताता हूँ। फिर हम दोनों यहाँ पर आते हैं तो आगे पता चलेगा आगे क्या होता है शंभू भैया के आने के बाद। मेरा तो अभी तेजो का तो बहुत ही मतलब उथल पुथल मची हुई है। रमेश जी और मेरी और पद्मा की मतलब कुछ अजीब सी कहानी, मेरे खिलाफ़ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि मैं जो नहीं वो प्रूफ करने की मतलब तैयारी की जा रही है। तो जस्ट मतलब एक्चुअली मैं अभी तेजो ये सब चीज़ों से थोड़ा हट के उसके अगेंस्ट ही बहुत षड्यंत्र घर में दो तीन लोग कर रहे हैं, तो मैं उसमें उलझी हुई हूँ। तो उसी की अभी झलक अभी जो हम सीन करने वाले हैं यहाँ होने वाली है कि यहाँ पर मुँह दिखाई हो रही है और तेजो उसमें कुछ और ही कर देगी, दंगल हो जाएगा। ग्रैंड प्रवेश का सीक्वेंस भी हो रहा है, मुंह दिखाई की रस्म हो रही है और इसमें बूंदी की मुंह दिखाई है जिसमें बहुत ड्रामा होने वाला है। सारे गांव के लोग आने वाले हैं और फिर उसमें महू अपना स्टैंड लेती है कि इस हवेली की असली बहू और मैं ही हूँ बड़ी बहू, ड्रामा करती है सबके साथ। नए हंगामे तो सब हमारे दर्शक देख ही रहे हैं और उन हंगामों की वजह से देख लीजिए टीआरपी रॉकेट की तरह बढ़ती जा रही है। और मुझे लगता है कि हमें अपने बाइट्स में आगे की चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर पहले से पता चल जाएगा तो फिर देखने का मज़ा ही क्या आएगा। ऑफकोर्स ड्रामे से तो भरा है हमारा शो और ज़बरदस्त ड्रामा होने वाला है और बस देखते रहिए। वो दोनों बहनों का आपस में मतलब जो है वो, और दूसरा तेजो जो हैं उनके साथ भी एक ट्विस्ट और ड्रामा चल रहा है जो बहुत ही ज़बरदस्त, दर्शकों को मज़ा आ जाएगा। वो जो आप चुरी वाली बात बोल रहे हैं, मुँह दिखाई की रस्म हो रही है तो बूंदी बहुत खुश है क्योंकि इसकी मुँह दिखाई की रस्म हो रही है और अब देखते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ तो बवाल होने ही वाला है, सब देखते हैं क्या होगा। बहुत ड्रामा है जैसे कि आप सबने देखा राधे आ गया वापस, बट राधे आया बट वो कुछ कह नहीं पा रहा बिकॉज बूंदी उसे धमका रही है। सो बट इस मुंह दिखाई में भी जब आप देखेंगे सो डेफिनेटली यू लाइक इट, यू लव इट। जी ऑफकोर्स कहते हैं ना एक एक्टर के पीछे भी पूरी टीम होती है। सो हमें एक खूबसूरत बनाने के लिए हमारे मेकअप डिपार्टमेंट, हमारे हेयर डिपार्टमेंट, मेरे मेकअप दादा मिलन दादा है सो मेरा मेकअप करता है, बहुत सुंदर मेकअप करता है जैसे कि आप सब देख ही रहे। एंड हेयर में भी हमारे रश्मि थी और आसमा दाई होती है। सो वो लोग अपनी पूरी जी जान लगाते हैं मेकअप हेयर करने में, बहुत प्यार से मेकअप करते हैं एंड कॉस्ट्यूम में भी इतनी मेहनत जाती है, एक 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 छोटी छोटी बारीकियों पे डिटेलिंग में काम किया जाता है। सो इट्स लाइक वी बिकम हु वी आर विद ऑल द टीम। यस, ड्रामा हो रहा है आज, बूंदी की मुँह दिखाई है, मुँह दिखाई की रस्म है। सो देखते हैं कंप्लीट हो पाती है कि नहीं महुआ, अब क्या करेगी, मुँह दिखाई की रस्म अच्छे से होने देगी या नहीं होने देगी, क्योंकि ऑलरेडी सब लोग महुआ से परेशान हो चुके हैं क्योंकि महुआ ने बूंदी की सारी रस्में बिगाड़ दी हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बूंदी और शंभू एक हों, ये शादी जो है वो नहीं होने देना चाहती थी। सो लेट्स सी अब महुआ क्या करती है, कैसे करती है, कैसे घर वालों को समझाती है। दर्शन तो नहीं पता, पर ये है कि हाँ शंभू जो है राधे से बहुत प्यार करता है, दोनों भाई हैं, राधे भी शंभू से बहुत प्यार करता है, तो उन दोनों की बॉन्डिंग ही कुछ अलग है। अरे बिल्कुल टाइम लगता है रेडी होने में ऑफ कोर्स, क्योंकि आप लोगों के सामने अच्छा भी तो दिखना है, सुंदर लगना है तो टाइम तो लगेगा ही। कुछ नहीं, बस सिंपल सी मेरी जो है साड़ी है, हल्की सी है, चूड़ा है जो बाबा पहनती है, नथ है जिस पे हमारा शो है, नथ जेवर या जंजीर, और तो कुछ नहीं। देखिए वो सब तो वो कहानी मुझे पता नहीं है अभी, क्योंकि महुआ की एक अलग स्टोरी चल रही है। अब वहाँ पे वो लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, महुआ को मारने की प्लानिंग चल रही है, ये ऑडियंस को पता है, अभी मुझे नहीं पता है। तो वो भी एक सस्पेंस है कि क्या होगा, महुआ को मारने में ये लोग कामयाब हो जाएंगे या मुझे पता चल जाता है, तो उसके लिए आपको देखना होगा हमारा शो, तब आपको एग्जैक्टली कहानी और हमारा पता चलेगा कि क्या चल रहा है, कब क्या कैसे होगा।